अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड बेसमेंट। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार लबी शीरी की रेसिपी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फूड बेसमेंट का हिस्सा बने। लबी शीरी बनाने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए उसमें शामिल है दूध 1 लीटर, कस्टर्ड पाउडर 3 खाने के चम्मच, चीनी 6 खाने के चम्मच, जैली जाएगी इसमें, आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं, छोटे रसगुल्ले 1 पाव, कलरफुल सेवइयां 1 कप, टेट्रापैक क्रीम हो जाएगी इसमें 1/2 पैकेट, बादाम 20 से 25, किशमिश 20 से 25, फ्रूट कॉकटेल का 1 डब्बा, इसमें मौजूद शुगर सिरप हम यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट फ्रूट शामिल करेंगे। अब हम कस्टर्ड बना लेते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 लीटर दूध और इसे बॉयल आने देंगे। जब तक इसमें बॉयल आ रहा है हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। हमने 1/2 कप दूध लिया है, इसमें शामिल किए 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसे मिक्स कर लिया अच्छे से। दूध में बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी 6 चम्मच। आप ज़रूरत के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को हमने अच्छे से मिक्स करना है। चीनी मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड। इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, स्पून की मदद से इसे हम हिलाते रहेंगे। ख्याल ये रखना है कि जब आप कस्टर्ड शामिल कर रहे हो तो फ्लेम लो हो। अब इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए कस्टर्ड तैयार हो चुका है। इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम कलरफुल सेवइयां बॉयल करेंगे। कलरफुल सेवइयां बॉयल करने के लिए भी हम एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी शामिल करेंगे। जब इसमें बॉयल आने लग जाए तो इसमें हम 1 कप कलरफुल सेवइयां शामिल कर देंगे और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए सेवइयां हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम जैली बना लेते हैं। जैली बनाने के लिए एक बर्तन में 1 कप पानी लेंगे और इसे बॉयल करेंगे। जब इसमें बबल्स आने लग जाएंगे तो इसमें हम जैली का मिक्सचर शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम लो फ्लेम पर पकाएंगे और इसके बाद इसे हम एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जैली भी बन चुकी है, इसे हम कट कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है। इसके लिए एक बाउल लेंगे, उसमें रूम टेम्परेचर पे जो हमने कस्टर्ड ठंडा किया था वो शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे 1/2 पैकेट, फिर इसमें जाएंगी सेवइयां बॉयल की हुई, इसके बाद इसमें जाएंगे फ्रूट्स, फिर इसमें शामिल करेंगे हम जेलीज और आखिर में छोटे रसगुल्ले शामिल करके इसे हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। ये लीजिए बहुत ही यमी और क्रीमी लबे शीरी तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए।